I am Nikhil and you are watching Thank You Sports Guys. So welcome you guys like always, and today I'm going to give you touch and slide effect concept using React.js. So stay tuned and watch till the end and don't skip anywhere so that you have a better idea about this concept. And if you are watching my videos for the first time, so I recommend you to watch my previous video before jump to this video. And well, to be honest friends, I am very thankful to you all for supporting me. तो फ्रेंड अब देखिए ये मैं क्या करता हूँ, जैसे रोज मैं डेमो दिखाता हूँ, तो इस बार भी मैं आपको पहले डेमो दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग कोड को लिखेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए ये टच एंड स्लाइड रिएक्ट के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक रिएक्ट ऐप है, डेमो प्रोजेक्ट, जो हम लोग ऐप क्रिएट करते हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप, उसके बाद जो ऐप का नाम लिखते हैं तो उसी नाम से एक फोल्डर बनता है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर आप ये वीडियो, आपके लिए वीडियो फर्स्ट टाइम है, तो मेरा प्रीवियस वीडियो है कैलकुलेटर, ठीक है, सबसे पहले मैंने वही स्टार्ट किया था, तो उस वीडियो को देख ले। उस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया कि कैसे रिएक्ट को इंस्टॉल करना है और उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया है, तो उसको पहले देख ले, ठीक है। और उसके बाद जितना भी मेरा पहले वाला वीडियो है उसको देखते जाए, तब यहाँ पे आए, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा फ्रेंड। तो अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, डेमो प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैं लिखूंगा cd डेमो प्रोजेक्ट। आप लोग सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये आ गए हम लोग एप्लीकेशन के अंदर। तो अब एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए npm नोड पैकेज मैनेजर और उसके बाद स्टार्ट। तो रिएक्ट ऐप को डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर Node.js की जरूरत होती है, तो सबको पता है, ठीक है। ऑलराइट, तो मैं क्लिक करता हूँ एंटर बटन। अब ये थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आप लोगों का एप्लीकेशन रेंडर हो जाएगा ब्राउजर पे। तो जैसे फ्रेंड हम लोग का एप्लीकेशन रेंडर हो गया है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करो फिर स्लाइड करो, ठीक है, क्लिक करो स्लाइड करो, तो ये चीज हम लोग देखेंगे रिएक्ट में। Awesome है ना फ्रेंड, ठीक है, तो क्लिक करो स्लाइड करो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा फ्रेंड, लेकिन बहुत ही ऑसम ट्रिक से, आप लोगों ने ऐसा देखा होगा ब्राउजर में। तो मैं जो मेरे को लगता है कि मेरे को क्या सिखाना चाहिए, ठीक है, किस पे ट्यूटोरियल बनाना चाहिए, तो उसी पे मैं लेके आता हूँ। अगर ये थोड़ा थोड़ा मिला के आप लोग अगर ये पूरा देख लेते हो वीडियो, तो उसके बाद आप लोग अपना एक वेबसाइट क्रिएट कर लोगे या एप्लीकेशन क्रिएट कर लोगे, ठीक है। तो हाँ, पर प्री रिक्विजिट्स यही है कि आपको HTML, CSS और JavaScript का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप लोग को रिएक्ट समझ में आएगा। तो अब क्या, अब मैं करता हूँ यहाँ से रोज की तरह। देखिए मैं CSS को ऐसे पूरा का पूरा नहीं मिटा दूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है लिखने में, और मैं आप लोगों को CSS लेकिन समझा दूंगा, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा, लेकिन मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। और जो ये दो फाइल है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ पहले। डिलीट क्यों करूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और दूसरा फाइल बनाऊंगा, ठीक है। और या फिर मैं डिलीट ही कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को फिर वो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मैं हटा दिया उसको, डिलीट, मेरे को तो पता है मैं क्या क्या था। अब इसमें देखिए क्या क्या होना चाहिए। तो मैं सब हटा रहा हूँ, सब हटा दू, सब क्यों हटाऊ, मैं नहीं सब ही हटा दे रहा हूँ, फिर कंफ्यूजन होगा ना। ऑलराइट गाइस, तो ये देखिए मैंने सब कुछ
सब कुछ हटा दिया। अब क्या करूंगा, जो मैंने बनाया था किसे बनाऊंगा, यहाँ पे logo.jsx, ठीक है, आप लोग js से सेव कीजिए या फिर jsx। यहाँ से ये कॉपी किया मैंने और यहाँ पर देखिए जो ऐप मैंने यहाँ पर रेंडर करवाया ना, वो जरा सर यहाँ पर एक कंपोनेंट था, ठीक है, तो कंपोनेंट बेस्ड पे ही तो है रिएक्ट, ठीक है, तो मैं बनाऊंगा यहाँ पे क्लास और यहाँ पर ऐप और एक्सटेंड को कंपोनेंट बनाने के लिए हम लोग को रिएक्ट पैकेज के अंदर है कंपोनेंट क्लास, ठीक है, उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसके बाद कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और यहाँ पर कुछ प्रॉप दो चाहे मत दो, लेकिन मैं बोलता हूँ कि दो, इसे आप लोगों को भूलोगे नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए। ऑलराइट, ये मैंने बना दिया। अब क्या, अब इसके अंदर क्या है वो मत सोचो, पहले सोचो कि आउटपुट में क्या होगा, ठीक है, पहले वो टच करके स्लाइड करेंगे, वो बाद की बात है। पहले क्या होगा कि जो यहाँ पर अभी जो मैंने दिखाया, अभी तो कुछ नहीं दिखाया, हट गया ना सब, छोड़ो, मैं यहाँ पर रेंडर करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रेंड, लेकिन मजा आएगा। रिटर्न, ठीक है, और जो यहाँ पर मैं रिटर्न कराता हूँ वही तो दिखाता है ब्राउजर में। आप ऐसा समझिए कि हम लोग जो कंपोनेंट बनाते हैं जो पहले से डिफाइन है HTML टैग वगैरह, तो वो अब हम लोग खुद अपना बना रहे हैं, ठीक है। ये मैंने फ्रेगमेंट ले लिया क्योंकि हम इंडिविजुअल कंपोनेंट को नहीं लिख सकते, उसको एक ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ता है, तो ये मैं लेता हूँ हमेशा। आप लोग डिव के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन आउटर डिव का कोई काम नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पर सबसे पहले मैं एक सबसे बाहरी वाला कंटेनर ले लेता हूँ, ठीक है, और देखिए क्लास नेम इक्वल्स टू लोगो कंटेनर, ठीक है, लोगो कंटेनर। अब इसको देखिए, मैंने यहाँ पर CSS में, चलिए CSS अभी देखते हैं, लोगो कंटेनर, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक कंपोनेंट जो बनाया हूँ logo.jsx, ठीक है, उसको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, और उससे पहले कि यहाँ से हम लोगों को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूंगा एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट क्लास, क्लास है ना, तो जिस जो फाइल का नाम आप लोगों ने बनाया है वही फाइल का नाम से आप लोग क्लास बनाएंगे, लोगो और उसके बाद एक्सटेंड्स, क्योंकि कंपोनेंट बनाना है तो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कुछ, तो फ्रेंड मेरी स्पेलिंग मिस्टेक, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर की काम है ना, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का काम है फ्रेंड, तो कंस्ट्रक्टर और सुपर मैंने बोल ही दिया, अभी प्रॉप्स आप लोगों को नहीं पता है तो पता चल जाएगा, लेकिन मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया। तो अब क्या, वही चीज लिखते हैं जो वहां पर लिखे, रेंडर रिटर्न। अब रिटर्न में क्या करेंगे, रिटर्न में मैं यहाँ पर एक और सेक्शन बनाता हूँ, सेक्शन क्लास नेम इक्वल्स टू लोगोस, क्योंकि मैंने लोगोस बनाया था उस टाइम, और बाद में फिर CSS में कोई प्रॉब्लम ना हो तो यहाँ पर लिख रहा हूँ लोगोस। अब क्या, अब देखिए फ्रेंड, मैंने जो लोगो वहाँ पर दिखाया था वो इसी पब्लिक फोल्डर के अंदर जहाँ पर HTML का फाइल है, क्योंकि ये जो index.js है यहाँ से जो रिटर्न होता है, रेंडर होता है, वो इस पेज में होता है index.html, और यहाँ पर देखिए नीचे में
ईस्ट डीप के अंदर रूट, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है रेंडर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर यहाँ पर हैज रूट, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी भी लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन मैंने लिखा है क्वेरी सिलेक्टर हैज रूट, क्योंकि वो थोड़ा लंबा सा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, ज्यादा ही हो रहा है। तो अगर क्लास होता तो मैं यहाँ पर डॉट लगा देता, लेकिन वो है आईडी, तो मैंने यहाँ पर हैज रूट लिख लिया। ओके, तो यहाँ पर पब्लिक फोल्डर के अंदर है इमेजेस फाइल फोल्डर, तो उसके अंदर इतने सारा जो मैं वो लोगो है मैंने डाउनलोड किया था, तो उस लोगो आप लोग लिंक से मैं तो रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अब ये तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, छोटा ही प्रोजेक्ट है, तो मैं लिंक नहीं यूज कर रहा हूँ। आप लोग इमेज यूज करें अगर बड़ा प्रोजेक्ट में, तो लिंक यूज कीजिए, उससे क्या होगा आपका जो एप्लीकेशन है वो लाइट वेट रहेगा, ठीक है, क्योंकि इन लोगों का साइज बहुत ज्यादा, इस तरह से मतलब आपका एप्लीकेशन मतलब लाइट वेट नहीं होगा, हैवी वेट हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस इमेजेस को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए दिस डॉट इमेजेस, और इमेजेस का नाम है, तो इमेजेस का पाथ है ना, तो मैं क्या करता हूँ, अब ये जो भी रेंडर होगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज पे होगा, तो अब वहाँ का मतलब वहाँ का पाथ मतलब कि उसमें करेंट पाथ ऐसा कुछ सेट करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ इमेज कॉलन और डॉट लेट करेंट पाथ के अंदर इमेजेस, और इमेजेस के अंदर ए डॉट पी एन जी, इसी तरह मैं सबको सेट कर देता हूँ, ठीक है। और फ्रेंड कल से मेरे को बहुत खुशी हो रहा है, क्योंकि मेरा जितना भी दोस्त है, मेरा ब्रदर है, सब लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो सपोर्ट नहीं फ्रेंड प्यार है मेरे लिए, तो थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू टू ऑल फॉर दिस। तो इसी तरह मैं सी डॉट पी एन जी डी डॉट कम से कम 12, ठीक है, इतना इमेज चाहिए मेरे को। और फ्रेंड ये क्या यार, ये जो है ना हम लोग कहाँ है लोगो डॉट जे एस एक्स, ठीक है, यहाँ पर करना चाहिए, वही तो मैं सोच रहा हूँ लोगो कंटेनर कहाँ से आ गया, अभी यहाँ पर लोगोस लिखा था क्लास नेम, ठीक है, तो मैं जब फाइल के बारे में बता रहा था तभी इधर उधर हो गया, कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पाथ दे दिया, सब पीएनजी मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है, कोई पीएनजी है कोई नहीं मिला तो जेपीजी भी है, तो अब देखना पड़ेगा कौन सा जेपीजी है कौन सा पीएनजी है, तो आइए के एल सब पीएनजी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी टी के के, ठीक है, तो के है जेपीजी, जेपीजी है, और बस वही था जेपीजी फाइल फॉर्मेट। तो अब उसके अंदर देखिए, पहले तो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक और मतलब लोगो, ठीक है, वो भी एक कंटेनर ही है, कार्ड का कंटेनर है वो लोगोस, ठीक है, तो उसके अंदर जो एक एक कार्ड है वो भी तो एक कंपोनेंट है, तो वो कंपोनेंट मैं अलग से बनाऊंगा, ठीक है, क्यों बना रहा हूँ अलग से, ताकि आप देखते जाइए, मैं जैसे मैं अलग फाइल बना के बनाता था, लेकिन इसी पेज पे मैं कंपोनेंट वो कंपोनेंट बना रहा हूँ, तो कॉन्स्ट और ये फंक्शनल कंपोनेंट बना रहा हूँ, तो कार्ड मैंने कहा कार्ड इक्वल टू और यहाँ पर प्रॉप, अब ये प्रॉप से क्या होगा फ्रेंड, अब देखते जाइए, अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा बस एक डिव, ठीक है, ये एक डिव रहेगा और उसका क्लास नेम रहेगा कार्ड, ठीक है, और उसी के अंदर जो इमेज था, क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा कुछ उसमें नहीं डाला है, ठीक है, आप लोग बहुत चीज उसमें इमेज डालिए, कुछ भी कीजिए, बस आप लोग को आइडिया ही तो चाहिए, इमेज, और जो यहाँ पर देखिए, अब ये जो इमेज इमेज का जो पाथ यहाँ पर मैंने बनाया है जेसन
एरे का जेसन एरे ऑब्जेक्ट, तो उसी को मैं, मतलब ये जो कार्ड है इसका मैं टैग जैसा लिखूंगा J6, ठीक है, तो J6 एलिमेंट बोल, तो उसी में जो एट्रीब्यूट दूंगा इमेज, ठीक है, तो एक एक एट्रीब्यूट को पास करा दूंगा यहाँ प्रॉप्स के थ्रू, तो यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पर SRC में लिखता हूँ और ये एक्सप्रेशन में, इसको बोलते हैं J6 एक्सप्रेशन, ठीक है, तो प्रॉप डॉट इमेज ये आ गया। और एक चीज अल्ट में ये लिखिए, ठीक है, ये लिखना मतलब मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कभी इमेज फाइल पता नहीं लगता है कि मान लो कि SRC आप सोर्स गलत दे दिया लेकिन जो अल्ट है वो सही है, तो इसे पता लगता है कि यहाँ पर ये फाइल होना चाहिए था लेकिन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे जाएगा, मैंने बोला ना इसका वो बनाना पड़ेगा टैग जैसा, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, एक कस्टम टैग, ठीक है, जिसको आप लोग यहाँ पे कंपोनेंट कंपोनेंट बोलते हैं। तो कैसे करेंगे, तो दिस डॉट कार्ड्स इक्वल टू एक एरे बना लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एरे के तौर पे रख सकते हैं। यहाँ पर कर दूंगा मैं कार्ड, ठीक है, कार्ड्स दिस डॉट कार्ड, क्योंकि करेंट क्लास का ऑब्जेक्ट का कार्ड ये बोलता हूँ, इक्वल टू अब क्या, तो यहाँ पर लिखूंगा दिस डॉट इमेजेस डॉट मैप, और इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, दो आर्गुमेंट में लेता हूँ। पहला आर्गुमेंट होता है कि ये जो इमेजेस है उसका एक एक एलिमेंट, जो एक एक एलिमेंट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इमेज, और दूसरा में इसका इंडेक्स, ठीक है, इस एरे जो है इस एरे का एक एक इंडेक्स, वो इंडेक्स का जरूरत मैं इसलिए यूज करता हूँ। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉमा होगा क्योंकि दो आर्गुमेंट है ना, क्योंकि एक वार्निंग शो करता है, वो की देना पड़ता है, ठीक है, कंपोनेंट हर एक मतलब डिफरेंट कंपोनेंट है तो उस अलग अलग कंपोनेंट को मतलब एक की दे दो, ठीक है, जिससे हम लोग पहचान पाए, ये बोल के यहाँ पर देना पड़ता है। तो रिटर्न करो क्या, रिटर्न करो जो ऊपर हम लोगों ने बनाया था कार्ड कार्ड, ठीक है, ये सेल्फ क्लोजिंग मैंने बना दिया, ठीक है, आप लोग ऐसे करते हैं ना कार्ड, तो मैंने यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग कर दिया। और यहाँ पर एट्रीब्यूट, जैसे इस कार्ड जो कंपोनेंट बनाया है यहाँ पर जो मैंने प्रॉप सेट किया है, तो उसको मिल जाएगा कैसे, कैसे मिलेगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इमेज, यही है उसका प्रॉपर्टी, और ये वैल्यू के तौर पे इस एक एक इमेज का ऑब्जेक्ट आएगा, इमेजेस का पाथ का ऑब्जेक्ट आएगा, तो इमेज डॉट इमेज से कंफ्यूज मत होइए, ठीक है, ये एक एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक ये जो इमेज है वो लिखा है, तो मैंने इमेज और उसके अंदर है इमेज ये बताया। और दूसरा चीज मैंने बोला कि वो वार्निंग शो करने लगता है, तो यहाँ पर मैं ले देता हूँ की इक्वल टू इंडेक्स नंबर, ऑलराइट गाइस, और दिस डॉट कार्ड्स को यहाँ इसके अंदर कर दिया मैंने, तो मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है लेकिन वहां से इंपोर्ट नहीं किया है, शायद इसलिए नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया है मैंने, लेकिन इंडेक्स डॉट जेएस फाइल से इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखो इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट क्या, इंपोर्ट लोगो फ्रॉम कहाँ से, तो करेंट जहाँ पर मैं हूँ इंडेक्स डॉट जेएस फाइल जहाँ पर मैं हूँ वहीं पर है लोगो डॉट जेएसएक्स, तो डॉट स्लैश से बता दिया, उसके बाद लोगो, और उसके बाद आप लोग एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर डबल डॉट कर देते हैं फ्रेंड, तो इसका मतलब ये होता है कि पेरेंट डायरेक्टरी मतलब इंडेक्स डॉट जेस जहाँ पर मैं हूँ उसका पेरेंट, तो यहाँ पर इंडेक्स डॉट जेस और उसका पेरेंट SRC, ठीक है, तो SRC के अंदर लोगो है नहीं, मतलब कि इस इंडेक्स डॉट जेस का पेरेंट SRC, और वहीं पे बोल रहा हूँ लोगो, तो वहाँ तो है नहीं, जहाँ पर मैं हूँ वहीं पर ये है,
यहाँ पर को हटा दो। अब वहां से एक्सपोर्ट जो कंपोनेंट हो रहा है इसके अंदर लिख दो, तो उस लोगो कंटेनर के अंदर एक और कंपोनेंट हो जाएगा और जिसका क्लास नेम और जो है लोगो, ठीक है, ये पूरा का पूरा लोगो है। और ये लोगो का मतलब कि ये रिटर्न कर रहा है क्लास नेम, एक सेक्शन होगा और उस सेक्शन के अंदर कार्ड्स होंगे और कार्ड्स का देखिए यहाँ पर क्लास नेम है कार्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा ऐसे लोगो, हम लोगों ने एक कस्टम टैग बना लिया, ये सोच जब कंपोनेंट कंपोनेंट दिमाग के पल्ले नहीं पड़ता है, ठीक है, तो ऐसे सोच सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया है लोगों को, तो यहाँ पर आना चाहिए, तो ठीक है। ये आ रहा है लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो मैंने क्लास लोगो कंटेनर लिखा है यहाँ पर देख लेते क्या है, यहाँ पर जो क्लास है यहाँ पर, ठीक है, तो इस तरह से अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ पर देखिए डबल और भी कुछ हो सकता है, ठीक है, और भी कुछ प्रॉब्लम है लोगो कंटेनर, ठीक है, यहाँ पर दिया है मैंने क्या लोगोस क्लास नेम लोगोस, यहाँ पर देख लेते क्या है, यहाँ पर वही तो है लोगो, लोगो कंटेनर के अंदर, लोगो कंटेनर के अंदर लोगो, तो मैं भी सेव करता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ। अजीब है फ्रेंड, स्टाइल.css सीएसएस इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, सबसे खाली बक रहे हम लोग डॉट स्लैश और फिर मैं बोलूंगा स्टाइल डॉट css, ठीक है। तो अब देखते हैं आ गया, ठीक है, आया तो आने को तो आ गया, ठीक है, लेकिन क्या है कि एक चीज और मैंने दिया था टाइटल, ठीक है, टाइटल नेम दिया था, यहाँ पर देख लेता हूँ क्या है, पहले वो स्टाइलिंग में अभी आपको बता दूंगा डॉट टाइटल नेम, ये था यहाँ पे इसके बाहर, ठीक है, क्लास नेम इक्वल्स टू टाइटल नेम, टाइटल नेम कुछ भी सपोर्टिंग कंपनी, ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब स्टाइलिंग देख लेते हैं, उसके बाद तुरंत बात करते हैं कि मैंने क्या क्या किया है, ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखिए ये अलग से बाहर बॉडी, मतलब पूरा बॉडी रूट, ठीक है, रूट एलिमेंट है ये पूरा का पूरा चला जाएगा इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के इस रूट डिव के अंदर, तो उसके अंदर यहाँ पर टाइटल नेम, ठीक है, यहाँ पर टाइटल नेम को मैंने कुछ इस तरह से दे दिया है, फॉन्ट साइज 3EM, 3EM मतलब 3x16EM, और विड्थ इसका 100% कर दिया है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और मार्जिन टॉप से मार्जिन 100 पिक्सल, और उसका ये फॉन्ट फैमिली ये कर दिया। और एक चीज मैंने यहाँ पर देखी है, उसको बैकग्राउंड इमेज सेट किया है, तो यहाँ पर इसी वजह से ये थोड़ा सा आपको पिंक कलर का दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऑरेंज रेड, तो इस तरह से मैंने स्टाइलिंग किया है, जो उसका टेक्स्ट फिल कलर है पहले ओरिजिनल उसको ट्रांसपेरेंट कर दो, उसके बाद बैकग्राउंड इमेज लगा दो, उसके बाद बैकग्राउंड क्लिप जो है बैकग्राउंड इमेज सेट किए हैं उसको टेक्स्ट के तौर पे सेट कर दो, जो यहाँ पर ये बताया, और जो बॉडी का बैकग्राउंड है ये वाइट, ठीक है। अब लोगो कंटेनर यहाँ पर देखिए, ये जो इच वन के अंदर जो एक बनाया मैंने सेक्शन लोगो कंटेनर को विथ 100% डिस्प्ले टेक्स्ट कर दिया है, मिनिमम हाइट 50 VH, 50 VH मतलब 50 वर्टिकल हाइट, ठीक है,
और इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जिसका इसमें जो कंटेंट होगा सेंटर होगा ऑनलाइन आइटम सेंटर, इसको पोजीशन रिलेटिव ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एक चीज दिख रहा होगा कि इससे बाहर का नहीं दिखेगा, इससे मैं इसको कम भी करता हूँ तो उससे बाहर का नहीं दिखा है क्योंकि मैंने ओवरफ्लो हिडन कर दिया है। और इसको हम लोग खेलेंगे जब स्लाइड करके, ठीक है, इवेंट लिस्टनर ऐड करेंगे माउस का तब। तो ये लोगोस का स्टाइल है, लोगोस लोगोस मतलब कि ये इसके अंदर जो लोगो था, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लास नेम लोगोस था तो उसको यहाँ पर मैंने ऐसे सेट किया है। डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाइड कंटेंट स्पेस अराउंड अलाइन आइटम सेंटर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स पोजीशन एब्सोल्यूट। अब क्या, अब उसके अंदर लोगो कंटेनर के अंदर लोगोस के अंदर जो कार्ड है, यहाँ पर जो मैंने क्लास नेम लिया था ये कार्ड, ठीक है, मैं आपको गूगल ड्राइव पे ये सब कोडिंग दे दूंगा, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसका विड्थ 270 पिक्सल किया है और हाइट 300 पिक्सल, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दे रहा हूँ और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। अब जो कार्ड जो है ना उसको, उसके अंदर जो इमेज है वो बीच में आया, ठीक है, इधर उधर ना भागे, इसके वजह से मैंने ऐसा किया है, ठीक है। अब पोजीशन एब्सोल्यूट देके ये सब बहुत टाइम लगेगा। और जो इमेज है उसका विड्थ 200 पिक्सल है, हाइट 300 पिक्सल और ऑब्जेक्ट फिट कंटेंट, ठीक है, इसलिए वो बीच में आएगा और बहुत अच्छे तरह से दिखेगा। ऑब्जेक्ट फिट कंटेन कर दिया है मैंने, इसी वजह से वो अच्छा से दिखे। अब क्या, अब बात करते हैं स्लाइडिंग की, ठीक है। तो हम लोग स्लाइड करेंगे ये जो लोगो कंटेनर है ना, तो लोगो कंटेनर का तो विथ 100% है, लेकिन जो इसके अंदर जो लोगो है ये, ठीक है, इसका विथ कितना होगा, इसका विथ होगा यहाँ पर जैसे कि ये इमेज का विथ, मान लीजिए कि इमेज का विथ 300, ठीक है, अब यहाँ पर 270 दिया हूँ लेकिन आप विथ कर 300 मानिए, तो 300 इंटू यहाँ पर 12 है, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 इंटू 300 करके जितना विथ होगा 3600, तो 3600 पिक्सल का ये बनेगा, ठीक है, ये लोगो, उसका साइज करना पड़ेगा। तो क्या करें, यहाँ पर मैं एक स्टेट सेट करता हूँ, दिस डॉट स्टेट इक्वल टू, और फिर यहाँ पर लिख कंटेनर CSS वो ऑब्जेक्ट मानता है, ठीक है, यहाँ पर जब JSX एलिमेंट है ना ये, तो ऑब्जेक्ट मानता है, तो यहाँ पर जैसे style लिखूंगा और इक्वल टू, यहाँ पर एक्सप्रेशन के तौर पे यहाँ पर ऑब्जेक्ट मानता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो CSS ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर कंटेनर विथ मैंने लिख दिया और विथ इसका कितना होगा, तो width विथ और ये कॉलन, उसके बाद देखिए बैकटिक यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ इस तरह से करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने बोला 300 इंटू दिस डॉट इमेजेस, या फिर कार्ड का जितना विथ होगा, जितना नंबर्स ऑफ कार्ड होंगे इंटू 300, तभी ये जो लोगोस का विथ होगा उतना, और ये तो है, ये कम हो जाएगा तो ओवरफ्लो क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो उस ओवरफ्लो को तो मैंने हिडन कर दिया, इसी वजह से वहां पर नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए लोगो कंटेनर है, 100% है, ठीक है, और इसके अंदर जो लोगोज है इसका तो विथ यहाँ पर मैंने सेट नहीं किया है, लेकिन पर यहाँ पर मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है, इनलाइन CSS जो आप लोग बोलते हैं, पिक्सल सेट कर दिया। और फिर यहाँ पर मैं सिंपल क्या बोलूंगा, this dot state dot और container with, let's see the magic, ठीक है, अब वो
यहाँ पर कुछ नहीं पता चलेगा अभी आप लोगों को, उसका वीक स्टेट हो गया, लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं पता चलेगा अभी। अभी मैं क्या करता हूँ, जो ओवरफ्लो यहाँ पर है ना, लोगो कहाँ है लोगो, यहाँ पर जो लोगो कंटेनर को हिडन कर दिया है मैंने, ठीक है, उसको यहाँ पर हिडन नहीं कर देता हूँ, तो कमेंट कर देता हूँ उसको। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर स्क्रोलिंग आ रहा है तो कुछ इस तरह से। तो ये जो स्क्रोल जो हम लोग प्ले कर रहे हैं, ठीक है, इसको खेलेंगे इधर स्लाइड करके, ये जो माउस मूव मूवमेंट के तौर पे। और एक चीज हम लोग को पता चला है कि ये i.png है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, तो मैंने पाथ यहाँ पर कुछ गलत दे दिया है, शायद i.png i.jpg है ना, jpg आ गया, ठीक है, तो वो लोगो भी आ गया, ठीक है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर किया था। वैसे जो ये जो दिखा रहा है फ्रेंड, ये बॉडी का पूरा स्क्रॉल हो जा रहा है, इसका स्क्रॉल नहीं हो जा रहा है। इसका स्क्रॉल प्ले कर सकते हैं हम लोग सिंपल ओवरफ्लो एक्स, ओवरफ्लो एक्स स्क्रॉल, देखिए तो ये अब ये इसका स्क्रॉल है, ठीक है, और ये कोई काम का नहीं है फिर भी यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए मैंने वहां पर हिडन कर दिया, क्योंकि हम लोग को प्ले करना है रिएक्ट से, ठीक है, रिएक्ट के कोड से। तो कैसे प्ले करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था इवेंट लिस्नर ऐड करना है, तो जैसे पेज रेंडर हो जाता है, तो पेज रेंडर होने के बाद, मतलब पेज पे कंपोनेंट रेंडर होने के बाद एक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है कंपोनेंट इड माउंट, ठीक है, रेंडर हो जाने के बाद, ठीक है, तो रेंडर हो जाए तब मैं बोल रहा हूँ कि एक लिसनर, ठीक है, लिसनर सेट करते हैं, एक लिसनर क्या, बहुत सारे, माउस मूव, माउस माउस डाउन, माउस अप, माउस लिव एंड माउस मूव, ये जो लिसनर है, तो मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ, उसके बाद लिख देता हूँ ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो पाए। तो यहाँ पर देखिए इवेंट लिस्नर माउस डाउन, इसी तरह क्या है माउस अप, तो उसके लिए एक फंक्शन मैं बनाऊंगा अप। और ये बाइंड क्यों कर रहा हूँ, मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बता दिया है, जब हम लोग सीख रहे थे वो स्क्रोलिंग इंडिकेटर, माउस डाउन और माउस लीव, और यहाँ पर माउस लीव, ठीक है, और क्या था माउस मूव, माउस मूव। अब जैसे मैंने इवेंट लिसनर को सेट किया है, वैसे इसको भी रिमूव करना पड़ेगा, तब जब ये कंपोनेंट वहां से हटेगा, मतलब पेज से रिमूव होगा, तो कब जब हटेगा तो फंक्शन कौन होता है कंपोनेंट फिल ऑन माउंट, ठीक है, ये सब लाइफ साइकिल में है इसका रिएक्ट का। तो जैसे ऐड किया इसको रिमूव करेंगे और क्या रिमूव, हाँ जब इसके बाद आप लोग देखेंगे आउटपुट में तो आएगा ये एरर, cannot read property bind up undefined, हाँ सही तो बोला है, mouse down mouse up, ये जो function है मैंने यहाँ पर जो callback के तौर पे लिखा है, मैंने कहाँ पर, यहाँ पर तो define ही नहीं किया है, तो define करना है friend, कहाँ पर define करे, इसके नीचे करे, तो कर दो, मैं लिखता हूँ mouse down event, ठीक है, एक चीज यहाँ पर, और इसी तरह माउस अप इवेंट, और ये इसको मैं इसी तरह सोचता हूँ, ठीक है, और क्योंकि उसका उतना काम नहीं है, लेकिन उसका काम है सिर्फ थोड़ा सा एक लाइन के कोड के लिए, इसलिए मैं
most of mostly और most में, ठीक है, इसका काम इवेंट। ऑलराइट गाइस, तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या देखिए मैं कौन कौन सा वेरिएबल यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूँ कि टच, ये बताने के लिए कि मैंने उस जो जहाँ से स्लाइड कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर टच किया है कि नहीं। तो एक फ्लैग सेट करूंगा ये बताने के लिए हाँ मैंने टच किया है, मतलब ट्रू दैट इक्वल टू फॉल्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमेंट करके ताकि जो भी ये कोड आप लोगों को मिले तो पता चले कि नहीं मिले। ये आई टच ऑन वो जो कंटेनर है, ठीक है, कार्ड कंटेनर, मैं टच ऑन कार्ड कंटेनर और नो कार्ड कंटेनर और नॉट, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। और दूसरा मैं टच पोजीशन, जहां पे मैंने टच किया है वहां का पोजीशन, तो लेट। और एक चीज फ्रेंड, आप लोग ऐसे नहीं सेट कर सकते, दिस डॉट ये क्लास है, तो दिस डॉट थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जो मैंने बनाया था बहुत ही कमाल का चीज था, तो फ्रेंड बोर फील ना कीजिए। टच पोजीशन इक्वल टू, अभी तो पता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद दिस डॉट स्क्रोल पोजीशन, अब स्क्रोल पोजीशन भी क्या, अभी तो स्टार्टिंग में जीरो ही है, ठीक है। उसके बाद दिस डॉट मैं जहां तक स्लाइड करके ले जाऊंगा वहां का पोजीशन, तो स्लाइड एंड पोजीशन उसका भी अभी पता नहीं है, अभी बाद में पता चलेगा ना जब मूव ये सब करूंगा, मूव लीव अप डाउन जो भी है, ठीक है। इतना बना दिया स्क्रोल पोजीशन, स्लाइड एंड पोजीशन, टच पोजीशन। अब क्या, अब एक चीज की किस पे करूंगा मैं ये जो यहाँ पर लोगो कंटेनर, ठीक है, वही तो एक कंटेनर, तो उसी के ऊपर तो मैं ये जो इवेंट करूंगा, ठीक है, माउस लीव माउस मूव माउस डाउन, तो उसको एक्सेस करना पड़ेगा, इसको किसको एक्सेस करना पड़ेगा, लोगो कंटेनर। तो अब ये कंस्ट्रक्टर क्योंकि स्टार्टिंग है तो रेंडर होने के बाद करें, ठीक है, जब रेंडर हो जाता है, क्योंकि पेज रेंडर होने के बाद ही तो पता चलेगा कि लोगो कंटेनर यहाँ पर आ गया है। तो कैसे करेंगे, तो रेंडर होने के बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन करते दिस डॉट सीओएमपी कंपोनेंट, सीओएमपी कंपोनेंट, ठीक है, इक्वल टू नल। अभी हम लोग को पता नहीं है, कंस्ट्रक्टर चलेगा तब थोड़ी ना, जब रेंडर हो जाएगा तब पता चलता है। तो this dot comp equals to मैं बोल दूंगा कि document dot query selector, और क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम है friend logo container, ठीक है, के लिए मैंने यहाँ पर डॉट लिखा है, ये मैंने अब उसको एक्सेस कर लिया क्योंकि उसके ऊपर मैं करूंगा ये सब, वो तो ठीक है फ्रेंड, लेकिन जो विंडो डॉट इस पे क्यों कर रहे हैं, हम लोग इस पे करना चाहिए ना, ये जितना भी इवेंट लिस्नर है इस पे करना चाहिए। इवेंट लिस्नर उस कंटेनर में जोड़ना है तो फिर इस पे क्यों, वही चीज, ठीक है फ्रेंड।
कंपोनेंट रिमूव होने से पहले ये अनमाउंट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो उससे पहले कि ये इवेंट लिस्टनर भी हटा दो। तो फ्रेंड अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मोस्ट डन किया तो पहले तो कर देना पड़ेगा कि मे आई टच ऑन कार्ड कंटेनर और नॉट, मेक श्योर। तो मैं क्या यार डिड, ठीक है, डिड आई टच ऑन कार्ड कंटेनर और नॉट, ठीक है, तो ये तो ठीक है, कुछ कोई यहाँ पर आते हैं, मैंने कर दिया दिस डॉट फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, मतलब मैंने टच किया है, जब मैं टच करूँगा तो वो फ्लैग हो जाएगा ट्रू, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पर टच कर रहा हूँ वहाँ पर टच पोजीशन क्या है, मैं क्या करूँगा दिस डॉट टच पोजीशन, ठीक है, दिस डॉट टच पोजीशन इक्वल टू इवेंट इवेंट डॉट पेज एक्स, एक्स पोजीशन चाहिए ना, वहां पर टच पोजीशन मेरे को मिल गया, लेकिन जब माउस मैंने उठाया या फिर माउस लीव हो तो क्या हो जाए, वो फ्लैग जो है वो फॉल्स हो जाए, दिस डॉट फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, और यहाँ पर भी क्या हो जाए, दिस डॉट फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है, ठीक है। अगर माउस मूव कर रहा हूँ, ठीक है, माउस मूव किया मैंने और स्लाइड करते हुए ले गया और कहीं पे छोड़ दिया, तो स्लाइड एंड पोजीशन क्या है, ठीक है, तो उससे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि जो फ्लैग है वो ट्रू है कि नहीं, मैंने टच किया है कि नहीं स्टार्टिंग पोजीशन पे, ठीक है, फ्लैग इफ फ्लैग में लिखता हूँ, इफ दिस डॉट फ्लैग, ठीक है, मतलब इफ, और यहाँ पर ये ट्रू ही लेता है, ठीक है, इक्वल टू ट्रू करने की जरूरत नहीं, इफ दिस डॉट फ्लैग मतलब ट्रू है तो क्या करो, जो डिफॉल्ट इवेंट होता है जैसे सेलेक्ट हो जाता है ये सब, ठीक है, उसको हटा दो, प्रिवेंट कर दो, बचो, जो डिफॉल्ट इवेंट है उससे बचो पहले, ये बोल रहा हूँ, इवेंट और प्रिवेंट डिफॉल्ट, जैसे मैंने यहाँ पर टच किया और ऐसे ले गया, तो वो डिफॉल्ट इवेंट सबसे बचने के लिए मैंने एक बोल दिया इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है, ऑलराइट। तो अब क्या चाहिए मेरे को, जहां तक स्लाइड करके लेके छोड़ दिया, ठीक है, तो दिस डॉट स्लाइड एंड पोजीशन, ठीक है, स्लाइड एंड पोजीशन इक्वल टू होगा इवेंट डॉट पेज एक्स, ठीक है, उसके बाद क्या, अब एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, क्योंकि इसने मूव किया होगा तो जहां तक मूव किया होगा तो वहां तक का डिस्टेंस चाहिए, तो मूव स्लाइड मूव डिस्टेंस लिख देता हूँ, ठीक है, स्लाइड मूव डिस्टेंस टी ए एन स्लाइड मूव डिस्टेंस इक्वल टू होगा, अब माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, जहां से टच किया और जहां तक मूव किया ये माइनस करूंगा तो ये माइनस में आएगा, ठीक है, लेकिन माइनस में आएगा फ्रेंड कहने का मतलब अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, जैसे कि मैं ऐसे रख के इस, जैसे मैंने क्लिक किया और ऐसे स्लाइड किया, तो जब मैं ऐसे स्लाइड कर रहा हूँ तो जो स्क्रोलिंग जो है इस साइड आएगा, ठीक है, स्क्रोलिंग इस साइड आएगा और जो कंटेंट है वो इस साइड मूव, लेफ्ट में मूव होगा, जो स्क्रोल बार है वो राइट में मूव होगा, तो इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा समझना पड़ता है, ठीक है, स्लाइड मूव डिस्टेंस, तो स्लाइड एंड वो माइनस में आएगा अगर ऐसे हुआ तो, ठीक है, अगर मैं इस साइड मूव कर रहा हूँ, ठीक है, और ये जो स्क्रोलिंग पोजीशन जीरो है अगर, तो जितना उसका डिस्टेंस है उतना वो स्क्रोलिंग पोजीशन में प्लस होना चाहिए एक्स में, ठीक है, तो वो जो स्क्रोलिंग स्क्रोल बार में जो प्लस एड हो जा रहा है डिस्टेंस के वजह से,
तो इसी वजह से वो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं टच करके स्लाइड कर रहा हूँ और वो मूव हो रहा है, ठीक है। बस ये ट्रिक है, स्लाइड मूव डिस्टेंस, स्लाइड एंड पोजीशन, पोजीशन माइनस दिस डॉट टच पोजीशन, ठीक है, ये कर दिया। अब ये तो स्लाइड मूव डिस्टेंस है, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, जो कंपोनेंट है दिस डॉट कॉम, दिस या फिर स्क्रॉल पोजीशन को हम लोग अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो जीरो था, लेकिन मैंने जब मूव कर दिया है तो इसका स्क्रॉल पोजीशन जहां तक मैंने उसको स्लाइड किया है वहां तक का वो डिस्टेंस एड हो चाहे माइनस हो, ठीक है, तो वो डिस्टेंस उसमें एड होना चाहिए। तो दिस डॉट स्क्रॉल पोजीशन, ठीक है, स्क्रॉल पोजीशन इक्वल टू क्या, जो दिस डॉट कॉम्प डॉट स्क्रोल लेफ्ट, क्या था, स्क्रोल लेफ्ट से माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, स्लाइड मूव डिस्टेंस में, स्लाइड क्या यार, स्लाइड मूव डिस्टेंस, ओके। उसके बाद स्क्रोल पोजीशन को जैसे अपडेट कर दिया, तो अब क्या होगा, इसको भी अपडेट करना पड़ेगा, स्क्रोल लेफ्ट को अपडेट करना पड़ेगा ना। तो दिस डॉट कॉम डॉट स्क्रोल लेफ्ट इक्वल टू कर दूंगा मैं यही, दिस डॉट स्क्रोल पोजिशन, स्क्रोल पोजिशन, ठीक है। तो फ्रेंड अब करके देखते हैं, तो ये मेरा ब्राउजर, और ये देखें, ये थोड़ा जो ज्यादा फास्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये ज्यादा फास्ट हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इसको, इसका जो स्पीड है उसको कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो स्लाइड मूव डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर दो ना, कितना से जितना आप लोग स्लो करना चाहते हो, 5/4, ठीक है, वो कुछ ज्यादा ही मूवमेंट हो जा रहा है, इसको सेव कीजिए। ऑलराइट, तो ये देखिए फ्रेंड अब हो गया, ठीक है, अब तो नहीं होगा ना उतना ही इसका भी। फ्रेंड आई होप कि मजा आया होगा, ठीक है, और आप लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर ये आप लोगों को आइडिया अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलिएगा। और इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा वो फॉर्म, ठीक है, फॉर्म में जो फील्ड फॉर्म वैलिडेशन का रहेगा रिएक्ट पे, ठीक है, फॉर्म में अच्छा सा एक यूआई बनाऊंगा फॉर्म का, ठीक है, उसके बाद उस पर हम लोग देखेंगे। और उसके बाद आप लोगों का देखिए रिएक्ट अब खत्म ही मान लो, मैंने सब चीज बता दिया है रिएक्ट में, ठीक है, आप लोगों ने ये सब जितना भी मैंने बताया है, और नहीं ऐसा नहीं है कि मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा, मैं बाद में जैसे कि स्लाइडर वगैरह सब लेते आऊंगा धीरे धीरे, ठीक है, लेकिन इतना आप लोगों ने जितना भी मैंने पढ़ाया हूँ, जितना मैंने ट्यूटोरियल अपलोड किया है रिएक्ट पे, ना कर लो आप लोग अच्छे से, अगर समझ में आ जाता है तो काफी है भाई रिएक्ट का। और उससे पहले आप लोग को HTML CSS JavaScript का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा। और जैसे रिएक्ट खत्म होता है मैं नोड पे आऊंगा, ठीक है, उसमें जैसे नोड सर्वर साइड होता है, ये तो एक क्लाइंट साइड था, ये व्यू पेज बनाने के लिए जैसे काम आता है, तो वो सर्वर साइड पे काम करता है नोड, ठीक है, हम लोग एक जैसे बोलते हैं आप लोग एक मीन स्टैक डेवलपर, मतलब अच्छा से अगर मेरा पूरा ट्यूटोरियल में बना दूंगा, ठीक है, सब पे मीन स्टैक डेवलपर अच्छा से कहलाएंगे, अगर आप लोगों ने मैंगो, ठीक है, मैंगो डीबी पढ़ लिया, एक्सप्रेस पढ़ लिया नोड के बाद, उसके बाद ये रिएक्ट आर, ठीक है, MERN, ठीक है, मैंगो, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड, ठीक है, तो आप लोग मन स्टैक डेवलपर अच्छा से कहलाएंगे। फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।